एज ही वॉक अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, तो आपने इसके ऊपर ये जाना था कि वो दोनों के दोनों, वो चूहेदानी वाला यानी फेरी वाला और वो ओल्ड मैन जिसने उसको रात में आश्रय दिया था, जब दोनों चले गए तो उसके थोड़े देर बाद ही ये फेरी वाला आया और उसके खिड़की का शीशा तोड़कर उस लेदर पाउच को निकाला और उसमें के 30 क्रोनर अपने जेब में रखा और चल दिया। आगे की स्टोरी देखें कि एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वो अपनी जेब में इस पैसे को लेकर चल रहा था तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी विथ हिज स्मार्टनेस, किस पर, अपनी चालाकी पर। ही रियलाइज्ड ऑफकोर्स, उसने वास्तव में महसूस किया दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, पहले तो उसने महसूस किया कि उसे पब्लिक हाईवे पे चलने की हिम्मत नहीं जुटानी चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि सड़क से उतर करके इनटू द वुड्स, उसे जंगल से होकर जाना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा और हम सड़क मार्ग से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, तो शुरू के कुछ घंटों में तो उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में ज्यों ज्यों दिन बीतते गए स्थिति जो है ख़राब होती गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंगल था, बड़ा ही भ्रामक स्थिति वाला जंगल था, कन्फ्यूजन होने लगा उसको। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें वो फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डिरेक्शन, उसने आश्वस्त होकर एक निश्चित दिशा में जाने की कोशिश की, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन जो है रास्ता आश्चर्यजनक रूप से आगे पीछे होता जाता था। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंज ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता जाता हाँ, किंतु जंगल का कोई अंत नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसने महसूस किया कि वह जंगल के केवल एक ही भाग के चारों तरफ चल रहा था, सेम पार्ट में ही चल रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, अब देखिए जो एक बार उसने कल्पना किया था जिससे उसको बड़ी खुशी होती थी कि ये पूरी की पूरी दुनिया रैट ट्रैप है और इसमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और कुछ इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो अंत में अब उसको वही ख्याल संसार और चूहेदारी के बारे में याद आया, उसके दिमाग पर चढ़ा और उसे महसूस हुआ कि नाउ हिज ओन टर्न हैड, कि अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, वो सोचा कि उसने खुद को ही एक चारे के द्वारा अपने आप को मूर्ख बना लेने के जाल में फंसा लिया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज इन अपॉन हिम, उसे लगा कि पूरा जंगल उसके पेड़ों के तने, उनकी शाखाएँ, उसकी झाड़ियाँ, गिरे हुए जो फॉलन लॉग्स थे, जो गिरे हुए पेड़ थे, उन सब के सब उसको एक ऐसी अभेद्य जेल की तरह घेर चुके हैं। क्लोज्ड इन अपन हिम लाइक एन इम्पिनिट्रेबल प्रिजन, इम्पिनिट्रेबल जिसके पार ना जाया जा सके, एक अभेद्य प्रिजन की तरह उसको घेर लिए हैं। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे अब वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और यह दिसंबर के माह का बिल्कुल एक तरह से लेट पीरियड था, उत्तरार्ध की बात थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में अभी से अंधेरा छा चुका था, चूँकि दिसंबर में आप जानते हैं दिन छोटा होता है। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब इससे जो है खतरा और बढ़ गया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसके वजह से उसकी निराशा, उसका भय और ज़्यादा बढ़ गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे अब बाहर निकलने का कोई भी
रास्ता नहीं दिख रहा था. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. और अंत में जो है वह ज़मीन पर बैठ गया और इतना थक गया था कि जैसे लगा कि अब वो मर जाएगा. और उसे ऐसा लगा कि अब उसका लास्ट मोमेंट आ गया है, अब उसके मरने की नौबत आ गई है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो ही जो है उसे अपना सिर भूमि पर ज़मीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसे एक हार्ड जो है रेगुलर थम्पिंग की धड़धड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. अब इसमें उसको तो तनिक भी शक नहीं हुआ कि ये कौन सी चीज़ थी और ये कैसी आवाज़ थी, क्योंकि ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खुद को उठाया और दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और उसे लग गया कि वे किसी लोहे के कारखाने से निकलते हथौड़े की आवाज़ को सुन रहा है. निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई आयरन मिल है, ही थॉट. देर मस्ट बी पीपल नियर बाई, और इसलिए उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं लोग हैं. ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से खड़ा हुआ और गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिधर से आवाज़ आ रही थी लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में चल. आगे आप देखें कि उसी दिशा में चलने के बाद द रैमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन. अब वो जहाँ पहुँचा वो रैमजो आयरन वर्क्स जो अभी कुछ समय से बंद पड़ी है वहाँ पहुँचा. विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, और अभी तो बंद पड़ी है लेकिन ये एक बड़ा कारखाना था, इसमें जो है लार्ज प्लांट था. और विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विथ ए स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्स. और यहाँ कौन सा काम होता था, स्मेल्टर का मतलब लोहे को गलाने का, बेलने की मशीन, एक फोर्स थी, भट्टी थी, ये सारी चीज़ें थी. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बाजेस एंड स्कॉव्स स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैक्स. अब देखिए यहाँ राइटर ये बता रहे हैं कि गर्मियों में सामान से लदी छोटी और बड़ी नावें लंबी पंक्तियों में नहर में तैर कर आती थी. कब? गर्मियों के दिनों में, समर टाइम में. लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज एंड स्काउस, बिल्कुल लंबी लंबी लॉन्ग लाइन्स में जो है छोटी और बड़ी नावें हर तरह की आती थी, मालों से लदी हुई, स्लेट डाउन द कैनल विच लेट व लार्ज इनलैंड लेक, जो बड़ी अंतर्देशीय झील तक, हाँ, इनलैंड लेक तक जाती थी. एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जो कारखाने के नज़दीक की सड़कें थीं, वो वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, वो सड़कें जो है कोयले की धूल से बिल्कुल काली हो चुकी थी. विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़े कोयले के टोकरों से छन छन कर गिरती थी. आगे देखें, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क होर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द क्रूड आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एन. अब देखें, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, क्रिसमस से तुरंत पहले की जो है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से तुरंत पहले की, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, जो कि एक लंबी अंधेरी शाम के समय की बात है, उस ड्यूरिंग की बात है, जो द मास्टर स्मिथ था, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहायक था, सैट इन द डार्क, वो जो है बड़ी जो लोहा गलाने की फोर्स थी, भट्टी थी, उसके पास बैठे थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास,
वेटिंग फॉर द क्रूड आयरन, और जो क्रूड आयरन थे ये एक प्रकार का लोहा है, उसका इंतज़ार कर रहे थे उसके पकने का, विच हैड बीन पुट इन द फर्नेस, जिसको कि भट्टी में डाला गया था, फर्नेस में डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसको एनविल पे, एनविल निहाई सुने होंगे लोहार लोग होती है, जिसको कि निहाई पर रखे जाने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर जो मुख्य मैकेनिक था और उसका डायरेक्टर था, दोनों बैठे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देन गॉट अप टू स्टिल द ग्लोइंग मास, और थोड़ी थोड़ी देर पर नाउ एंड देन, हाँ, उनमें से जो है एक व्यक्ति जो है उस चमकते और पिघलते हुए लोहे को एक लंबी लोहे की छड़ से हिलाने के लिए उठता, क्योंकि भाई उसको उलट पलट के पूरा लाल करना था, तो इसलिए स्थिर करने के लिए, हिलाने के लिए उस ग्लोइंग मास को एक लॉन्ग आयरन बार से वो उठते थे दोनों में से बारी बारी से एक एक, और रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और ऐसा करके थोड़ी देर बाद वापस आ जाते थे उसी जगह पर बैठने के लिए, ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, और बिल्कुल पसीना टपकता हुआ जो भी जाता था उस लोहे को हिलाने के लिए उधर से, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ की लपट निकलती थी, पसीने से बिल्कुल ड्रिप करते हुए टपकते हुए वो आता था। दो एज वाज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, और जैसा कि उनका पारंपरिक ढंग था मजदूरों के काम करने का, कि एक लंबी कमीज, एक लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जूतों के अलावा और कुछ नहीं था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और पूरे समय कई आवाज़ें उस भट्टी में आती सुनाई पड़ती थी, द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी धौकनियाँ, धौकनी जानते होंगे जिससे हवा निकाला जाता है आग को जलाने के लिए, ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, तो धौकनियाँ जो है वो ग्रोनिंग करती थी, उनको चलाया जाता था तो, और जलता हुआ कोयला जो है क्रैक करता था, चटकता था, आप जानते हैं कोयला जब आग पकड़ता है तो उसमें से क्रैकिंग की आवाज़ आती है। द फायर बॉय सोवर्ड चारकोल इन टू द मॉ, मॉ का मतलब माउथ है, जो फायर बॉय था, जो आग जलाने वाला लड़का था, वो एक शोवल से, एक बेलचे से भट्टी के पेट में बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ की ध्वनि करते हुए वो कोयला उठाता था, बेलचे से जब कोयला उठाता था तो खड़खड़ाहट होती थी, और द जो है आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जलप्रपात की गर्जना सुनाई देती थी, एंड ए साफ नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक तीखी उत्तरी हवा ईंटों के छत के ऊपर बारिश रूपी कोड़े बरसा रही थी, बिल्कुल ब्रिक टाइल्ड रूफ पर वो ड्रिपिंग कर रही थी, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोड़े बरसा रही हो, यानी उसकी तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, आप देखें यहाँ अब राइटर आगे बता रहे हैं कि यह संभव था कि इतनी सारी आवाज़ों के कारण, इट वॉज प्रोबेबली, यह प्रोबेबल था कि ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन सारी शोरों के होने के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन्ड द गेट, इस वजह से इतना आवाज़ होने के कारण लोहार को यह नहीं ध्यान आया कि कोई व्यक्ति जो है दरवाज़ा खोला है, एंड एंटर द फोर्ज, और उसने जो है भट्टी के पास एंटर कर लिया है, अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और ऐसा उसको तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक कि वो फर्नेस के पास आके खड़ा नहीं हो गया। तो वो आदमी जो रैट ट्रैप सेलर था वो प्लांट के अंदर प्रवेश कर गया और इन दोनों को नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था। सोरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अटैच टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। अब देखिए तो सचमुच में यह उस गरीब आवारा व्यक्ति के लिए कोई असाधारण बात नहीं थी, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल, कोई असाधारण बात नहीं थी फॉर पुअर वैगाबॉन्ड, क्या कि विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि रात में बिना किसी बेहतर जो है शेल्टर के, आश्रय के,
जो है बेटर शेल्टर के फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, कि उस प्रकाश के कारण, ग्लो ऑफ द लाइट के कारण, हाँ, उस लौह कर्मशाला की ओर वो अट्रैक्ट हुआ. और विच स्केप टू द सूटी पेन, सूटी का मतलब जैसे जहाँ धब्बे उब्बे पड़ जाते हैं काले काले, उन कालिक से फूटे हुए पेन जो शीशों के बाहर आ रहा था, हाँ, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और आग के सामने अपने आप को गर्म रखने के लिए वहाँ पहुँचा इन फ्रंट ऑफ द फायर. द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो लोहार ने आकस्मिकता और उदासीनता के साथ उस बिना बुलाए मेहमान को देखा, कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. इंट्रूडर वही मतलब अतिक्रमण करने वाला, जबरदस्ती घुसने वाला, तो चूंकि उसे बुलाया नहीं गया था इसलिए इंट्रूडर वर्ड यूज़ किया है राइटर ने. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो वैसा ही देखता था जैसे उसके आदमी अक्सर दिखाई देते हैं, कैसे, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग एंड द बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, तो एक लंबी दाढ़ी, गंदे चिथड़े और अपनी छाती पर चूहेदानियों का एक झुंड लटकाए हुए, ऐसे वो अंदर प्रवेश किया. ही आस्क परमिशन टू स्टे, उसने रुकने की आज्ञा मांग, परमिशन मांगा. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और बिना कोई ऑनरिंग वर्ड के, बिना कोई सम्मानजनक शब्द कहे, उस लोहार ने सिर हिलाकर एक बिल्कुल रूडली जो है अपनी सहमति दे दी. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और आप यह भी देखें कि उस आवारा व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी, उस फेरी वाले ने भी कुछ नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक अबाउट, ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह यहाँ बात करने के लिए नहीं किंतु अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था. इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों रैमजो लौह कारखाना जो था एक प्रसिद्ध लौह व्यवसायी का था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, और उस व्यवसायी की जो सबसे बड़ी इच्छा थी, ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या थी, वाज टू सिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, उसकी इच्छा यही हुआ करती थी, वो यही चाहता था कि मतलब एक गुड आयरन की सप्लाई की जाए मार्केट, उसकी बड़ी इच्छा यही थी कि बाज़ार में अच्छा लोहा ही भेजा जाए, अच्छा लोहा उतारा जाए. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और इसलिए वह डे एंड नाइट, रात दिन दोनों समय यह देखने के लिए निगरानी रखता था कि क्या कार्य ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और ठीक उसी समय वह अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरे के दौरान उस लौह कर्मशाला में प्रवेश किया, यानी जो मालिक था वो वहाँ पहुँचा उसी समय. रैप ट्रैप सेलर कुछ देर पहले वहाँ पहुँचा हुआ था, और जो मुख्य लोहार और उसके सेवक थे उन दोनों ने उसे रुकने की इजाज़त दे दी थी, उसी समय मालिक प्रवेश किया है. अब आगे क्या होता है इसको हम लोग अगले बार, ठीक है, अगले बहुत बहुत धन्यवाद.